घर घर का श्रृंगार प्रेम सनातन। क्षणिक आराधना में प्रसन्न होने वाले देवाधिदेव महादेव यदि आपके स्वप्न में दर्शन दे रहे हैं, आपको शिव, शिव मंदिर, त्रिशूल या शिवलिंग के दर्शन हो रहे हैं, तो क्या है उसका अर्थ? क्यों स्वप्न में आ रहे हैं भोलेनाथ? क्यों दिख रहा है शिवलिंग? क्यों दिखाई देता है प्राचीन शिव मंदिर? आज यही जानेंगे आप इस कार्यक्रम में। किंतु यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। शिव या शिवलिंग का स्वप्न में दिखने का क्या अर्थ है? देवाधिदेव महादेव आपको गुप्त संदेश दे रहे हैं, वो संदेश क्या है और क्या कहता है सनातन धर्म का स्वप्न विज्ञान? ध्यान से सुनिए। यदि स्वप्न में आपको देवाधिदेव महादेव के दर्शन हुए हैं तो मान के चलिए कि आखिर आपकी प्रगति होने वाली है, जीवन में नए अवसर प्राप्त होंगे और कोई एक नया रास्ता खुलेगा जिससे आपका जीवन पूरी तरह परिवर्तित हो जाएगा। एक से अधिक बार यह स्वप्न अगर दिख रहा है तो आपको यथाशीघ्र लाभ होने जा रहा है, धन लाभ होगा और शुभ समाचार मिलेंगे, आनंददायक आर्थिक लाभ देने वाली यात्राएं प्रारंभ होंगी। स्वप्न में नृत्य करते हुए शिव दिख रहे हैं या नटराज दिख रहे हैं तो मानिए कि आपकी जिंदगी में चली आ रही समस्याएं समाप्त होने जा रही हैं और एक नए सुअवसर प्राप्त होने जा रहा है। स्वप्न में शिव का दर्शन होना अत्यंत शुभ माना गया है। चली आ रही बीमारी से मुक्ति मिलेगी, संतान पुत्र की प्राप्ति होगी, धनागम होगा। यदि स्वप्न में त्रिशूल के दर्शन होते हैं तो उसका स्पष्ट संकेत है कि आपके जीवन में चली आ रही लगभग सभी समस्याओं का अंत हो रहा है, जीवन में नई शुरुआत होने जा रही है और कुछ नए रास्ते खुलने जा रहे हैं। यदि कोई गर्भवती स्त्री स्वप्न में शिवलिंग के दर्शन करती है तो स्पष्ट संकेत है कि उसके गर्भ में बहुत ही गौरवशाली और भाग्यशाली संतान जन्म लेने जा रही है। स्वप्न में सफेद शिवलिंग के दर्शन या शिवलिंग पर दूध अर्पित करते हुए यदि देखा है तो यह संकेत बहुत अच्छा है, शुभ है, मानसिक तनाव दूर होगा, बीमारियां दूर होंगी, आर्थिक संकट दूर होगा, धन के नए रास्ते खुलने जा रहे हैं। किंतु यदि किसी व्यापारी को स्वप्न में काला शिवलिंग दिख जाए तो सावधान हो जाना, मान लेना कि व्यापार में घाटा होने जा रहा है, अशुभ संकेत होते हैं व्यापारी को काले शिवलिंग के दर्शन। परंतु यदि यही दूसरी तरफ कोई कुंवारी कन्या स्वप्न में काला शिवलिंग देख ले तो मान के चलिए कि उसका विवाह यथाशीघ्र होने जा रहा है। सामान्यतः काली शिवलिंग के दर्शन बीमारी से मुक्ति और शुभता का सूचक माना गया है। कुल मिलाकर क्षणिक आराधना में प्रसन्न होने वाले देवाधिदेव महादेव आपको स्वप्न में दर्शन दे रहे हैं तो मानिए कि आपको उनकी शरण में तुरंत चले जाना चाहिए। अगर शिवलिंग, त्रिशूल या शिव मंदिर आदि के दर्शन हो रहे हैं तो तत्काल आप अपने घर में शिव आराधना प्रारंभ कर दें और पास में जो भी शिव मंदिर हो वहां जाकर नियमित दर्शन करना प्रारंभ कर दें, क्योंकि देवाधिदेव महादेव की कृपा आप पर बरसने जा रही है। ओम नमः शिवाय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियोस जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। आपके लाइक, शेयर और कमेंट हमारा उत्साह वर्धन करते हैं।